This video is only for the education and knowledge purpose everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public दोस्तों आपको बहुत सारे लोग बहुत सारे स्लोगन लेकर सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे होंगे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाते हैं लेकिन इस समाज की सच्चाई क्या है ये आप आज की स्टोरी से जानेंगे ये सच्ची घटना अभी अभी देहरादून बस अड्डे पर घटित हुई है कहानी शुरू करते हैं तेरह अगस्त दो की रात थी लगभग साढ़े बजे का समय था देहरादून के आई बस अड्डे में एक कंडक्टर थका हुआ सा अपने कैशियर के पास पहुंचा वो अपने दिन भर का कैश जमा करवाने आया था जो कि उसकी डेली रूटीन थी कैशियर घड़ी की ओर नजर डालता है तो देखता है कि साढ़े बारह बज चुके हैं वो कंडक्टर से पूछता है कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई तुम्हारी बस तो साढ़े दस बजे ही आ जाती है कंडक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो आंसर देता है कि मुझे कैश किन्ने में इतना समय लग गया कैशियर जिसका कि ये रूटीन का काम होता है वो फिर से पूछता है कि कैश किन्ने में तुम्हें दो घंटे लग गए आगे तो तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती है और तुम हर समय जल्दी में रहते हो लेकिन आज दो घंटे तक तो तुम बस में बैठे कैश ही गिनते रहे इससे कंडक्टर थोड़ा सा घबरा जाता है और कम कपाती आवाज में धीरे से कैशियर के पास आकर कहता है कि मेरे बस में कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं अगर आप चाहें तो आप भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं कैशियर फिर से क्वेश्चनिंग भरी निगाहों से कंडक्टर की तरफ देखता है कंडक्टर बात को थोड़ा सा और क्लियर करता है और कैशियर को बताता है कि मेरे बस में एक लड़की है आप चाहो तो आप उसे यूज कर सकते हो आप उससे मिल सकते हो आप उसके साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो इतना सुनते ही कैशियर एकदम से बिजली के झटके की तरह खड़ा हो जाता है वो कैश को भी बिना गिने ही वहीं पर छोड़ देता है अपना कैबिन लॉक करता है और कंडक्टर के साथ चल पड़ता है देहरादून का बस अड्डा रात के साढ़े बारह बजे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जगह उस समय कितनी सुनसान होगी अब इसी रात के सुनसान पन में अंदर खड़ी हुई एक बस में काफी भयंकर वाला सनाडा छाया हुआ था बस के भीतर घुसते ही कैशियर ने एक ड्रावना दृश्य देखा दो ड्राइवर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप कर रहे थे जिसकी उम्र शायद 16 साल रही होगी दोनों उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे थे कैशियर को देखकर एक ड्राइवर बोला के साहब आए हैं पहले इन्हें करने देते हैं फिर हम करेंगे कैशियर के सामने उस लड़की के साथ बारी बारी से दुष्कर्म होने लगा कैशियर खुद भी उस में शामिल हो गया उसकी चीखें रात के सन्नाटे में तप गई मानो उस लड़की की आवाज सुनने वाला कोई भी ना हो जब उन दरिंदों का मन भर गया तो उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया लड़की पटियाला जाने के लिए आई थी अगर उसकी नजर पहले मिल जाती या गाठ की नजर उस पर ना पड़ती तो शायद यह केस कभी उजागर ही नहीं होता इस घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई जिसने भी ये खबर सुनी उसे अपने इंसान होने पर ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी क्या सचमुच ये इंसान इंसान ही है या इंसान की शक्ल में छिपे हुए फेड़िए ये इतनी जल्दी रंग बदलते हैं कि जब किसी और की बच्ची के साथ हुआ कुछ गलत काम मीडिया में आता है तो ये सड़कों पर बोर्ड लेकर निकल पड़ते हैं लेकिन इन्हें पता ही नहीं चलता जब इन्हें वही मौका खुद के लिए मिलता है तब इनके अंदर का हैवान चाग उठता है चलिए आपको इस सच्ची घटना के बारे में बिल्कुल शुरू से बताते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दून आई अड्डे पर एक गार्ड ने एक लड़की को देखा वो लड़की थोड़ी असहज थी वो बार बार अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी जैसे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ हो गार्ड ने उस लड़की के चेहरे पर बेचैनी और डर देखा उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी वो गार्ड से बोली मुझे पटियाला जाना है बस कितनी देर में आएगी वहीं पास में एक छोटा सा ढाबा था वहां एक व्यक्ति मैगी बना रहा था लड़की के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति मंडरा रहा था जो उसे क्रीप से देखने की कोशिश कर रहा था गार्ड को यह सब कुछ बहुत अजीब लगा उसने तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन किया और बताया कि साहब इस आईएसपीटी के प्लेटफॉर्म नंबर ट्वेल्व पर एक लड़की खड़ी हुई है वो कुछ अजीब लग रही है आप प्लीज आकर देखिए गार्ड का एक फोन उस रात के ड्रावने सच को उजागर करने वाला था देहरादून के आई पर एक ठंडी रात थी जब गार्ड ने उस लड़की को अकेले खड़े देखा उसके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थी जैसे कुछ बहुत ड्रावना घटित हुआ हो गार्ड ने तुरंत 1098 पर फोन किया और कुछ ही समय बाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के टीम मौके पर पहुंच गई लड़की को अपने साथ ले जाया गया लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बेहद डरी हुई और अस्थिर थी सवालों के जवाब देने में वो असमर्थ थी केवल इतना बता पाई कि वो पंजाब के पटियाला की रहने वाली है लड़की को बहुत ज्यादा भूख लगी थी उसे खाना खिलाया गया पुलिसकर्मी और महिला अधिकारियों ने उससे काफी बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उसकी स्थिति काफी अजीब थी वो सोलह साल की थी उसके चेहरे पर काफी ज्यादा डर और असमंजस था हर बार जब वो किसी पुरुष को देखती थी तो वो डर जाती थी सहम जाती थी तीन दिन के बाद उसने बस इतना कहा कि गंदा काम हुआ है पुलिस ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया वो उस रात की घटनाओं की जांच में जुट गए जिस रात लड़की को आईएसपीटी पर पाया गया था 12 से 13 अगस्त 2024 की वो रात थी जो अब एक खौफनाक रहस्य बन चुकी थी पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालनी शुरू की उन्होंने उस संदिग्ध व्यक्ति की भी पहचान की जिसे गार्ड ने देखा था और जो लड़की के इर्द गिर्द मंडरा रहा था उसका फोटो निकालकर डिपो के सभी कर्मचारियों को दिखाया गया कुछ ही समय में उस व्यक्ति की पहचान हो गई उसका नाम धर्मेंद्र कुमार था और वह हरिद्वार के बंजारा गांव का रहने वाला था पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया सख्ती से पूछताछ करने पर उसने जो कहानी बताई उसने इंसानियत पर से विश्वास उठा देने वाला काम किया। 12 अगस्त 2024 की शाम का समय था जब दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी थी वो लोगों से पूछ रही थी कि उसे पंजाब के पटियाला जाना है कौन सी बस लेनी चाहिए एक व्यक्ति ने उसे बताया कि सामने खड़ी बस ले लो वो बस देहरादून के लिए जा रही थी उस व्यक्ति ने कहा कि तुम बस में जाओ उस आदमी ने कहा कि तुम बस में बैठ जाओ मैं तुम्हें सही समय पर बता दूंगा जब तुम्हें उतरना होगा रात के तकरीबन साढ़े दस बजे बस देहरादून के आई पर पहुंची जब सभी सवारियां उतर गई और वो लड़की अकेली रह गई कंडक्टर और ड्राइवर उसके पास गए और कहा कि उसे एक बस और बदलनी है लेकिन उससे पहले वो थोड़ा समय उनके साथ गुजार ले वो उसे छूने लगे उसका शरीर नोचने लगे लड़की का विरोध करना बेकार साबित हुआ उसी बस के पास एक और बस खड़ी थी जिसमें दो और ड्राइवर बैठे थे जब उन्होंने लड़की की चीखे सुनी, तो वो भी उसी बस में आ गए। अब चारों मिलकर उस लड़की के साथ रेप करने लगे थोड़ी देर बाद कैशियर भी वहां पहुंचा जैसा कि आपको पहले बताया और उसने भी इस घिनौने कृत्य में हिस्सा लिया यानी कि अब पांच लोग मिलकर उस सोलह साल की लड़की का देहरादून के बस अड्डे पर सरेआम रेप कर रहे थे और आप सोचिए कि किसी को भी इस बात की कानो खान खबर नहीं हो रही थी और या फिर खबर होने पर भी लोग आंख नाक और कान बंद कर, कर वहां पर खड़े थे लगभग दो घंटे तक ये सब चलता रहा और दो घंटे के बाद जब अन का मन भर गया तो उन्होंने लड़की को वहीं छोड़ दिया लड़की प्लेटफॉर्म नंबर ट्वेल्व पर खड़ी रही डरी सहमी और बेसहारा उस समय एक गार्ड ने उसे देखा और संदिग्ध कंडक्टर की हरकतों को देखते हुए उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया धर्मेंद्र कुमार दवेंद्र रवि कुमार राजपाल और राजेश कुमार नामक इन पांचों लोगों को पुलिस ने बारी बारी से कड़ी पूछताछ के बाद दबोचा यह मामला इतना भेवे था कि एसएसपी राजेश कुमार ने 17 अगस्त 2024 को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चलाने का फैसला किया जब लड़की से दोबारा पूछताछ की गई तो पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडा थाने के एक गांव की रहने वाली है न कि पंजाब के पटियाला की लड़की के माता पिता को सूचित किया गया लेकिन लड़की ने उनके साथ जाने से भी इनकार कर दिया पुलिस ने पाया कि उसके माता पिता की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी जिससे यह मामला और भी जटिल हो गया अब लड़की का इलाज चल रहा है उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है उसकी काउंसलिंग जारी है ताकि उसकी मानसिक स्थिति में कुछ सुधार आ सके इस घिनौनी घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की भी जांच की जा रही है यह मामला समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए अन्यथा इस तरह की घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी यह घटना जो देहरादून में घटित हुई इंसानियत को झचकोर कर रख देने वाली है ऐसे अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है ताकि कोई और मासूम इस नर्क से ना गुजरे और इंडिया जैसी कंट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले विक्टिम का धर्म देखा जाता है क्या वो हिंदू है या मुसलमान और उसके बाद उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी उसके सपोर्ट में होती है उसके सपोर्टर उसके खिलाफ उस कृत्य के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन जो पार्टी उसके विरोध में होती है यानी कि जिस पार्टी को उससे नुकसान होना होता है उस पार्टी के लोग चाहे वो कोई भी काम हुआ हो किसी भी तरह का काम हुआ हो उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं इसी धर्म के चक्कर में अक्सर जो इस तरह के अपराधी हैं, वो बच जाते हैं आप अभी देखिए कलकत्ता केस में कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स चल रही है कि असली बातें निकलकर सामने भी नहीं आ पा रही इतने दिन हो गए अभी तक सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार किया जा सका है और ऐसा ही होगा धीरे धीरे लोग इस चीज को भूलना शुरू कर देंगे और एक दिन ऐसा ही आएगा जैसे अन्य कई केसों में लोग भूल चुके हैं अब किसी को याद भी नहीं कि श्रद्धा कैसे कटी थी किसी को याद ही नहीं कि उसको किस तरह से फ्रिज में रखकर फेंक दिया गया था ऐसे ही अनगिनत केस यहां पर मौजूद हैं जो धीरे धीरे पॉलिटिक्स का शिकार बन जाते हैं और लोग उन केसेस को भूल जाते हैं जल्दी ही मिलेंगे नई कहानी के साथ क्राइम पेड़िया चैनल पर आपकी इस पूरे वीडियोस के बारे में क्या थॉट्स हैं क्या राय है इस घटना के बारे में क्या राय है प्लीज हमें बताइएगा शेयर कीजिएगा